मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन। तो आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो है पोटूला का। ये पोटूला का जो है, जिसका हम 9 o'clock, 10 o'clock के नाम से ही जानते हैं, मॉस रोज के नाम से भी जानते हैं, और बांग्लादेश के इसमें नाम है टाइम फूल, और पाकिस्तान में इसको जाना जाता है गुल ए दोपहरी। तो ये बहुत अच्छा फूल है गर्मियों के लिए। इसको आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं और इसको गमले में भी लगा सकते हैं आप। ये तो हम ज्यादातर तो यहाँ पर हैंगिंग पॉट में लगाते हैं, लेकिन इसका नेटिव जो कंट्री है वो है अर्जेंटीना, साउथ ब्राजील और उरुग्वे जो कंट्रीज है, साउथ अमेरिकन जो कंट्री है, ये इसका नेटिव एरिया है। तो वहां से ये दुनिया भर में फैला है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत सारे कलर होते हैं इसमें, सिंगल वैरायटी, डबल वैरायटी भी होते हैं। तो ये मैं जो दिखाता हूँ आपको, ये गर्मी में ये सकुलेंट प्लांट है, तो गर्मी में ये बहुत अच्छा खिलते हैं। ये गर्मियों का बादशाह फ्लावर है। कोई भी इसमें सकुलेंट, क्योंकि इसमें पत्तियों में पानी होता है, रस होता है, टहनी में रस होता है, तो ये काफी अच्छे गर्मी में, आज 5-7 दिन पानी भी नहीं हो तो काफी अच्छा ये खिलते हैं और बहुत कलर में खिलते हैं। अर्जेंटीना में तो खैर इसको ग्राउंड में लगाया जाता है, मैदानी भागों में, लेकिन हमारे यहाँ पॉट में या ये जो हैंगिंग पॉट है तो इसमें लगाया जाता है। काफी सारे कलर है, रेड है, ऑरेंज है, पिंक है, व्हाइट है, सब तरह का कलर है। मैं दिखाता हूँ हैंगिंग पॉट में ये है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा सिंगल जो कलर है वो क्या क्या है हमारे पास, जो हम पॉटिंग कर रखे हैं, बहुत आसान है। उसके बाद मैं आपको जो कटिंग वगैरह किए हैं सीड्स का वो दिखाऊंगा। ये है हैंगिंग पॉट में पोटूला का गुलाबी, बहुत अच्छा। अब मैं आपको क्रीम कलर का दिखाता हूँ। ये है क्रीम कलर का, ये जो हैंगिंग पॉट में बने हुए हैं, और एक रानी कलर में बहुत अच्छा कलर है ये। ये तो बहुत ही सुंदर दिखता है हैंगिंग पॉट में, अगर आप हैंगिंग पॉट में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये आप लगा ले आपके घर में, ये पीले कलर में है, ये भी सुंदर है। और ये फिर कलर, ये रानी कलर में है, और फिर आपका ये गुलाबी है, ये गुलाबी भी बहुत अच्छा दिखता है अगर आप इसका हैंगिंग में लगाएंगे तो, बहुत अच्छे खिलेगा आपके घर में। ये जो पोटूला का आप देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर रानी कलर के पोटूला का है, ये मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा रखे हैं कॉलेज में। और उसके पास से मैं दिखाता हूँ आपको और भी जो पोटूला का हमने लगा रखे हैं, ये भी अच्छा है। इसमें वो थोड़ा गुलाबी कलर का है और एक क्रीम कलर का है, तो क्रीम कलर को मैं नज़दीक से फोकस करता हूँ तो आपको देखेंगे ये क्रीम कलर का फूल कैसा है। ये बहुत सुंदर है ये क्रीम कलर का फूल, और ये तो बिल्कुल गुलाबी हैं, प्योर गुलाबी रंग के हैं फूल। और ये फ्लावर को मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, ये ऐसा है फ्लावर, और ये है गुलाबी रंग का, बहुत सुंदर। और ये तो फिर क्रीम कलर का है, ये क्रीम कलर का है फूल, तो ये भी सुंदर है। तो दोस्तों, ये है सिंगल वेराइटी पोटूला का के, इसके जो फूल की पंखुड़ियाँ होती है एक होती है, जैसे कि हमने डबल में देखा है उसमें काफ़ी सारे होते हैं, इसमें एक होती है। लेकिन इसकी खूबी यह है कि एक एक जगह से ये तीन तीन चार चार इसकी कलियां निकलती है, तो क्या होता है इसमें हर दिन एक एक फूल इसमें खिलता रहता है। इसमें फूल दूसरे जो डबल वैरायटी है उससे काफ़ी ज़्यादा फूल खिलता है इसमें। देखिए कीड़ा भी आ गया इसमें, इसमें से मधु लेने के लिए। और ये दिखाता हूँ मैं, ये सिंगल वैरायटी के, इसमें पिंक कलर के हैं, येलो कलर के हैं, ऑरेंज कलर के हैं, और ये फिर पिंक हैं, और काफ़ी कलर इसमें आपको मिल जाएंगे, करीब 10-12 कलर के फूल इसमें मिल जाएंगे आपको। तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है फूल। तो ये क्या होता है, ये सिंगल वैरायटी का है तो ये आप इसमें फूल ज़्यादा खिलेंगे डबल से, लेकिन देखने में ये भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत कलर में मिलते हैं। तो आप चाहिए बिल्कुल येलो कलर में, सिंगल कलर, ये एक प्याला का जैसे दिखता है दिखने में, ये देखिए जैसे फूल दिखता है, जैसे फूल नहीं है, ये छोटा सा प्याला है आपका। तो बहुत सुंदर ये सिंगल वैरायटी है, और ये भी आप लगे ऑरेंज कलर के प्याला, कितना सुंदर, उसके बीच से जैसे लगता है कोई फ्लावर भस है। और ये ऑरेंज, ये प्याला कलर का सिंगल वैरायटी आप ला सकते हैं, डबल वैरायटी भी आप ला सकते हैं, जो भी चाहे जैसे मर्जी हो, लेकिन डबल वैरायटी ज़्यादा दिखता है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि बीज से, सीड से आप कैसे इसकी सीडलिंग करेंगे, पोटूला की सीडलिंग कैसे करेंगे। तो अगर आपको सीड से करना है, कोई भी नर्सरी से आप सीड खरीद रहे हैं तो सीड से करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ सीड से कैसे करेंगे। ये सीड से अगर करना है तो आप करेंगे फरवरी महीने में, फरवरी में या जनवरी या फरवरी में या मार्च में। और मैं बता दूं, ये जो सीड होते हैं, इसके जो सीडलिंग होंगे, पहले जो 3-4 दिन आप छांव में रख सकते हैं, लेकिन 4 दिन बाद आप बिल्कुल धूप में निकाल दें उसका सीडलिंग को, धूप बगैर ये पौधे नहीं हो सकते। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सीड से कैसे करते हैं, और फिर मैं दिखाऊंगा कटिंग से कैसे करते हैं इसके।
कटिंग अगर करनी है तो अप्रैल महीना में चल सकता है कटिंग, लेकिन सीड करेंगे तो फरवरी महीने में करेंगे, क्योंकि जून से लेकर सितंबर तक ये खिलने वाले, अक्टूबर नवंबर में भी खिलेंगे, लेकिन थोड़ी ठंड गिर जाने से ये थोड़ा जो फूल जो है कम खिलते हैं, सर्दियों के मौसम में कम खिलते हैं। ये जो गर्मी का मौसम है जहाँ बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट होती हो तो वो पौधे बहुत अच्छे खिलते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, पहले दिखाता हूँ सीड कैसी होती है और फिर इसके सीडलिंग कैसे करें। तो ये तो मैंने खरीदी है सीड, बिल्कुल ये नज़दीक से दिखाइए, ये सीड जो है बहुत ही बारीक सीड है, एकदम पोस्ता जो होता है उससे भी छोटी ये सीड है। ये तो इसमें करीब 200 सीड है। यहाँ पर इस पैकेट को हम निकाल लेते हैं, पहले सीड को हम कर लेंगे पहले कैसे करें। ये मैंने पैकेट खरीदी है नर्सरी से, दो लोकल सीड खरीदी है। आप इम्पोर्टेड जो सीड है इम्पोर्टेड भी ले सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेड सीड लेने से काफ़ी कॉस्टली हो जाएगी आपकी। तो ये लोकल वैरायटी जो है डबल वैरायटी के सीड ले लें, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको ये पैकेट खोल के आपको मैं दिखाता हूँ कैसे सीड करेंगे। तो दोस्तों ये जो मैं आपको क्लोजअप में सीड दिखाता हूँ, कितनी छोटी मैंने एक सफ़ेद कागज में निकाल लिया है। ये जो सीड है बहुत ही बारीक सीड है, एकदम बिल्कुल सही। इसमें करीब 300-400 सीड है। आप इसको सीड को देख लें, ये बिल्कुल छोटी सी सीड है। और आप इसको सीडलिंग करें तो सीड लेने के बाद ये हम हाथ से पूरे इकट्ठा कर लें, सीड को इकट्ठा कर लें और फिर इसको अलगे से हम स्प्रिंकल कर दें। इसमें फिर आप इसको हल्का सा पानी सा स्प्रिंकल कर दें, लेकिन ट्रे के नीचे छेद होना चाहिए। और ये हमने हल्का सा पानी दे दिया है। पानी देने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए आप और इसको छांव में रख दीजिए। 4 दिन आपको, आप शेडेड एरिया में 4 दिन रख दें। उसके बाद 4 दिन के बाद ये जर्मिनेट कर जाए तो धूप में ले आइए आप। फिर बिल्कुल आप आराम से धूप में रख सकते हैं और इसको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। कलियां हो कोई भी हो, लेकिन आप कोशिश करिएगा कटिंग करने के टाइम कि इसका मोटा वाला जो डाल है उसको ले लें, एक तो मोटा वाला हिस्सा ले लें, क्योंकि मोटे जो होते हैं तो वो जल्दी ग्रो कर सकेंगे आपके। तो मैंने तो ये तोड़ लिया है। अब क्या करते हैं, मिट्टी कैसे लेंगे, इसमें गार्डन मिट्टी ले लें, 3/4 गार्डन मिट्टी ले लें और 1/4 वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट आप 1/4 ले लें, दोनों को मिक्सर कर लें। मिक्सर करके इस ट्रे में लगा लें। ट्रे में पतला ट्रे इसलिए लिया हूँ मैं क्योंकि इसके रूट जो है वो ज़्यादा नीचे नहीं जाती है, तो हमने रूट में ऐसा कर दिया है इसको। ये हमने करा लिया रूट और इसका हम क्या करेंगे, इसमें पानी से भिगो देंगे इसको, बिल्कुल पानी से इसको भिगो देंगे। पानी से ऐसे भिगो दें ताकि पानी नीचे तक चला जाए। अब हम इंतजार करेंगे इसका पानी नीचे तक निकल जाए। पानी जब निकल जाएगा इसके बीच हम क्या करेंगे, ये जो टहनियां है कोई भी पोर्शन से, कितनी भी छोटी टहनी हो वो आप लगा दें, डायरेक्ट सोइंग कर दें तो आपका ये पौधा लग जाएगा इसमें। तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े में। और जब हो गया है, ये देखिए मैं अब तोड़ रहा हूँ, कोई भी पोर्शन में ये तोड़ लिया, छोटा सा हिस्सा मैंने यहाँ पर बो दिया है। ये जो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, करीब करीब 2 इंच या 3 इंच का लगा ले आप, एक एक टुकड़ा, कोई भी हिस्सा टुकड़ा, कोई भी टाइम लगा ले आप, वो बिल्कुल आपका पौधा लग जाएगा। ये मैंने लगा लिया है, थोड़ी सी मोटी हो तो अच्छा होता है। और इसको आप लगाने के बाद 3-4 दिन आप शेड में रख लें, थोड़ा छांव में, उसके बाद 4 दिन बाद आप बिल्कुल धूप में निकाल लें और इसकी जो रूटिंग है बहुत जल्दी इसकी जो रूट्स हैं वो निकल आएंगे। तो ऐसे आप इसमें डाल दें एक एक पोर्शन करके और ये डाल के इसको भर लें, करीब करीब पूरा भर लें ट्रे। मैंने जो 7 दिन पहले सीड लगाई थी तो इसके जो पौधे निकल आए हैं, देखिए आप बिल्कुल साफ ये पौधे निकल आए हैं, करीब करीब 1 सेंटीमीटर के करीब या 1/2 इंच के करीब ये सीड हो गए हैं और सीडलिंग, और ये और 1 महीने में बड़े हो जाएंगे करीब, और इसके फ्लावरिंग होते होते करीब 2 महीने लग जाएंगे। तो ये है इसके सीडलिंग जो हमने पिछले हफ्ते आपको दिखाई थी कि कैसे किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो कटिंग मैंने की थी, ये कटिंग भी बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल कटिंग, ये तो कटिंग मेरा एकदम बिल्कुल तैयार हो गई। ये कटिंग मैंने की थी, आपको दिखाया था, और ये कटिंग में मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रूट कहाँ से निकली है, फिर दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी रूट निकल आई है, बिल्कुल ये रूट आपकी निकल आई है। तो ये रूट है,
और भी जो पौधे मैं दिखाता हूँ, करीब 7 दिन में इसके रूट्स जो हैं ये निकल आई है। ये आपको देखिए क्लोजअप में, ये रूट्स इसकी निकल आई है रूट्स, और ये कटिंग भी बिल्कुल तैयार हो गए, और ये 1 महीना में ये फ्लावरिंग करने शुरू कर देंगे। ये जो है 1 महीना में इसके ये फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये बिल्कुल कितनी सारी सफ़ेद रंग की रूट्स निकल आई है इसकी। तो ये इतने जो रूट्स है ये बिल्कुल निकल आई है, तो ये आपके तैयार हो गया मेरी कटिंग। तो ये कटिंग और 1 महीने में ये देखिए इसकी रूट्स बिल्कुल सही रूट्स निकल आई, कितनी सारी रूट्स है। तो ये बिल्कुल कटिंग आपकी तैयार हो गई है, और आप इसको और 1 महीने में इसके फ्लावरिंग होने शुरू हो जाएगी बिल्कुल अच्छी तरह से। तो दोस्तों, आज आपको मैंने बताया कि पोर्टुलका के बारे में, इसका साइंटिफिक नेम है पोर्टुलका ग्रैंडिफ्लोरा, जो बहुत ही अच्छा शानदार फ्लावर है, गर्मियों के लिए आप लगाइए। और ये आपका मेरा ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और किसी को और काम में आए तो आप शेयर कर दीजिए, और पूरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे मुझे और भी वीडियो बनाने में उत्साह मिलेगा, और नए नए वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो बस नीचे दिखाए बटन में आप सब्सक्राइब कर लें, और बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आपका दिन बहुत अच्छा जाए, और सो नाइस ऑफ यू।